हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू, संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों, संबंध और फलन को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब क्रमित युग्म क्या होता है बच्चों? क्रमित से समझ में आ रहा होगा, क्रमित वर्ड से, कि क्रम, निश्चित क्रम, ठीक है। निश्चित क्रम होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि इसका क्रम निश्चित है कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, तो इसका क्रम निश्चित है। तो क्रमित युग्म में क्रमित होता है निश्चित क्रम, और युग्म, युग्म का मतलब होता है दो वस्तुएं। यानी कि क्रमित युग्म में दो अवयवों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। क्रमित युग में दो अवयवों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने दो एलिमेंट लिए हैं ए बी, ठीक है। दो एलिमेंट ए बी लिए हैं, तो उनको ऑर्डर पेयर में आप कैसे लिखेंगे? उनको ऑर्डर पेयर में आप ब्रैकेट साइन यूज़ करेंगे और ए बी कॉमा लगा के लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इस टाइप से आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी जो है, अगर उसका क्रम चेंज कर दिया जाए, यानी कि बी ए कर दिया जाए, तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि क्रमित का मतलब ही निश्चित क्रम होता है। तो इसका क्रम निश्चित है ए बी, वो बराबर नहीं होगा किसके? बी ए के, ठीक है। अब ए बी और बी ए दोनों अलग अलग युग्म होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, यदि ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि दो क्रमित युग्म अगर बराबर दिए हैं आपको, जैसे ए बी सी डी के बराबर दिया है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल लिखा जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल लिखा जाएगा। यानी कि ए किसके इक्वल होगा? सी के। और बी किसके इक्वल होगा? डी के। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का कार्तिक गुणन, है ना, कि समुच्चय का कार्तिक गुणन, कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है। हमने यहाँ पे दो सेट लिए हैं, सेट ए ए बी सी, सेट बी 1, 2। अब इनका हमें कार्तिक गुणन निकालना है, तो हमने क्रॉस का साइन लगाया है ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए की वैल्यू पुट कर देंगे आप, फिर सेट बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। बच्चों, जब ऑर्डर पे निकालते हैं तो क्या करते हैं, ए फर्स्ट एलिमेंट, उसके साथ सेकंड सेट के एक एक एलिमेंट करके लेने हैं। जैसे ए के साथ में पहले 1 लेंगे, फिर ए के साथ में 2 लेंगे, ठीक है। ए के साथ में पहले क्या लिया आपने? 1 लिया, फिर ए के साथ में आप क्या लेंगे? 2 लेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे आप, बी के साथ में 1 लेंगे और बी के साथ में 2 भी लेंगे, तो B1 B2 हो जाएगा सेकंड। थर्ड में आप क्या करेंगे, C1 लेंगे और C2 लेंगे, तो नेक्स्ट हो जाएगा C1 C2। तो A क्रॉस B आपके पास हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2, ठीक है। अब बच्चों आते हैं, संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन क्या होता है। यानी कि रिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं। R जो है वो सबसेट लेंगे कार्तीय गुणन का, यानी कि R जो है वो छोटा होगा किससे? कार्तीय गुणन से। R के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। इसको हम सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं, R इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि R जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका? कार्तीय गुणन का। इसके एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि A जो है एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं A E, B सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। अब बच्चों, इसमें रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि रिलेशन जो है वो है ए बी, क्रमित युग्म में ए बी दिया हुआ है, और कहा है ए एक स्वर है, क्या है? एक वोवल है, और बी एक सम संख्या है, यानी कि एक इवन नंबर है।
रिलेशन में हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें पहला नंबर ए फर्स्ट में है क्रमिक युग्म में, पहला नंबर स्वर होना चाहिए और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, पहला स्वर होना चाहिए और दूसरा सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमने निकाला है। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने क्या किया है, ए को किसके साथ लेंगे, वन के साथ, ए को टू के साथ भी लेंगे, ए को थ्री के साथ भी लेंगे, सिमिलर प्रोसीजर हम करेंगे नेक्स्ट के साथ। तो ई जो है ई को वन के साथ भी लेंगे, ई को टू के साथ भी लेंगे और ई को थ्री के साथ भी लेंगे। ठीक है, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, ई वन ई टू ई थ्री। ठीक है, तो बच्चों हमसे रिलेशन में क्या कहा था, हमसे रिलेशन में कहा था कि पहला एलिमेंट स्वर होना चाहिए और दूसरा सम संख्या होनी चाहिए, वो सब रिलेशन में आएगा। तो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसमें पहला एलिमेंट स्वर कौन सा है, ए है। ठीक है, और बी जो है वो सम संख्या है, तो ऐसे कौन से इसमें ऑर्डर पेयर हैं, तो वो ए टू है और ई टू है, हाँ पहला एलिमेंट क्या है, स्वर है और दूसरा सम संख्या, ऐसी पहला स्वर है और दूसरा सम संख्या। समझ में आया बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं फंक्शन, फंक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों फंक्शन क्या होता है कि कोई संबंध फलन तब कहलाता है जब ए से बी में, यानी कि सेट ए हमने यहाँ पे लिया है, सेट बी हमने यहाँ पे लिया है, सेट ए से सेट बी में ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी पे बने, यानी कि इस सेट में सेट ए में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबके इमेज किस पे बननी चाहिए, सेट बी पे बननी चाहिए। जैसे टू की इमेज वन पे बन रही है, थ्री की वन पे, फोर की टू पे, तो इस पे सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, सेट ए में सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिलेशन हमने लिया है टू वन थ्री वन फोर वन। ठीक है, यानी कि सेट ए जो है उसके टू एलिमेंट के बीच वन पे बन रही है, थ्री की भी वन पे बन रही है, फोर की टू पे बन रही है, तो ये सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर में सेट ए के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, सेकंड एग्जांपल है, उसमें रिलेशन दिया है टू 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 फोर थ्री थ्री फोर फोर, यानी कि टू की इमेज टू पे बन रही है, फिर टू की इमेज फोर पे बन रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो की इमेज जो है वो अलग अलग एलिमेंट पे बने। ठीक है, टू की इमेज भी टू पे बन रही है, फिर नेक्स्ट में भी टू की इमेज टू पे बन रही है, तो सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और इसमें ये दोनों रिपीट हो गए हैं, टू की इमेज टू पे भी बन रही है और टू की इमेज फोर पे भी बन रही है। ठीक है, तो इस संबंध में सेट ए के अवयव दो बार रिपीट हो रहे हैं, अतः यह फलन नहीं है। अगर हम सेट बनाएं तो इसमें टू थ्री और फोर, ठीक है, तीन एलिमेंट है, इसके अंदर भी टू थ्री एंड फोर, थ्री एलिमेंट है, तो टू की इमेज बच्चों टू पे बन रही है, नेक्स्ट में टू की इमेज फोर पे बन रही है। ठीक है, उसके बाद थ्री की इमेज थ्री पे बन रही है और फोर की इमेज फोर पे बन रही है, तो बच्चों ये जो टू एलिमेंट है उसकी इमेज दो एलिमेंट पे बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह फलन नहीं है। समझ में आया बच्चों, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।